हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायजूस इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ अर्चना पांडे है, जिन्होंने बायजूस इंटरव्यू को पहले से क्रैक किया हुआ है और इनका वीडियोस आपने देखा होगा, 1 लाख प्लस व्यूज है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो आप देख सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले पूछेंगे और उसका आंसर अर्चना पांडे आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे गाइस तो वीडियोज को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो रचना, आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो रचना पांडे, ये मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपने हमारे व्यूवर्स को अपना एक ब्रीफ इंट्रो दो, राइट? ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना है। मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ कानपुर में, एंड राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन भोपाल, मध्य प्रदेश। एंड लाइक रिसेंटली आई क्रैक्ड बायजूस इंटरव्यू। ओके, सो आई एंड विकास सर विल गिव यू सम टिप्स कि आप कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, क्या प्लस पॉइंट अगर आप ऐड करोगे सो आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो, राइट? ओके ओके, अच्छा, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें क्वेश्चंस उसमें पहले से दिए रहेंगे, राइट? तो बताना कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आपको, राइट? ओके, तो आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है? या इट्स विजिबल। ओके ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आप क्या टिप्स दे पाओगे हमारे व्यूअर्स को? ओके, सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको अपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो क्रिस्प रखो, शॉर्ट रखो। कैसे कर सकते हैं? नाम बताओ, जहां से बिलोंग करते हो वो सिटी का नाम बताओ, देन लाइक क्या आपने पढ़ाई की हुई है, क्वालिफिकेशन क्या है, बस वो मेंशन कर दो, डिग्री मेंशन कर दो। आपको मार्क्स या फिर नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन जो आपका जो क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस बताओ, अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर उसको स्किप करोगे ऑफ कोर्स। देन फैमिली के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अपनी हॉबीज बताओ, ठीक है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो सब बताओ। देन आप बताओ कि आप बायजूस में काम क्यों करना चाहते हो, कैसे आपकी स्किल बायजूस में हेल्प करेगी, अपनी जो हॉबीज है उसको यहाँ से लिंक करके बताओ, राइट? जैसे यू कैन से कि आई लव टू कम्युनिकेटिंग विद पीपल, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी हॉबी लिंक हो रही है रोल के हिसाब से, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन को क्रिस्प रखो, शॉर्ट रखो। ओके रचना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु इज द फाउंडर ऑफ बायजूस? ऑफ कोर्स ये पढ़ लेना, बायजू रविंद्रन बायजूस के फाउंडर है, राइट? ओके या, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द बायजूस कंपनी? बायजूस कंपनी, या बायजूस कंपनी रेवेन्यू, राइट? या कंपनी और उसके बारे में बताओ कि बायजूस कंपनी मतलब किस तरह की कंपनी है। ओके ओके, सो यहाँ पे अगर हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले ऑफ कोर्स हम कंपनी के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइट? बायजूस जो है वो वर्ल्ड का नंबर वन एडटेक कंपनी है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, राइट? एस्टैब्लिश्ड हुई थी 2011 में, राइट? और यहाँ से या ओके, so can you tell me about the latest news of Byju's company? Yeah, basically Byju's ने अभी आकाश इंस्टीट्यूट को अक्वायर किया है रिसेंटली। कौन बनेगा करोड़पति का भी को-स्पॉन्सर्ड रहा था, so ये मेंशन कर सकते हो आप। ग्रेट ग्रेट रचना, so what is the role of BDA in Byju's? BDA का रोल क्या होता है Byju's में? BDA यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, बेसिकली ये जो है सीधे कंपनी के रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। कैसे? जो बायजूस के प्रोडक्ट हैं उसके फीचर्स बता के कस्टमर को और उनको सेल करके। ओके, सो व्हाई यू डिड बीएमसी, राइट? व्हेन यू वांट टू गो इनटू सेल्स? या ओके, सो आप इसको इस तरह से मतलब अगर बीएमसी मैंने किया, बेसिकली मैंने बीएमसी को सोचा था कि ओके जब मैं अपना डिग्री कंप्लीट कर लूंगी आई विल बी गेटिंग एंकर रोल एंड दिस न्यूज रिपोर्टर प्रोफाइल, बट आई डिड नॉट गॉट दैट। सो लाइक एज सून एज आई कंप्लीटेड माय डिग्री आई स्विच्ड माय प्रोफाइल। ओके ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑडियो लर्निंग एंड वीडियो लर्निंग? ओके, ऑडियो लर्निंग क्या होती है? ये बेसिकली हमारा ट्रेडिशनल मेथड है,
राइट पढ़ाने का. वीडियो लर्निंग जो है ये एडवांस्ड मैनर एडवांस्ड मेथड है. ऑडियो लर्निंग में क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, राइट आप जो है कोई भी अगर आप चीज को सुन रहे हो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे. आप उसको सुनोगे कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे, राइट आपकी मेमोरी में वो सेव नहीं हो पाएगा. बट सेम अगर वीडियो लर्निंग आप कर रहे हो, अगर आपको कोई वल्केनो के बारे में बता रहा है तो वीडियो लर्निंग में पीछे उसमें आप दिखा भी रहा है कि वल्केनो होता कैसे, कैसे जनरेट होता है, कैसे पूरा वल्केनो के बारे में बता रहा है, तो आप जो है उसको आपको विजुलाइजेशन हो रहा है जिसका रिटेंशन रेट 76% होता है एज कम्पेयर टू ऑडियो लर्निंग, राइट. सो दिस इज व्हाई वीडियो लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट. या ग्रेट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज टेल मी एनी 4 कंपटीटर्स ऑफ बायजूस कंपनी. ओके लाइक वी हैव कंपटीटर्स लाइक एक्स्ट्रा मार्क्स, अनअकैडमी, वेदांतु, टॉपर, आकाश, ग्रेडअप, टॉपर, स्कॉलर, व्हाइट हेड जूनियर एंड वेदांतु ऑल्सो. रचना आपको पता है बायजूस का रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू? Okay, it's a 2,800 crore in Indian rupees. Okay, and how many employees are currently working in Bayzus? Okay, as per the data of 2019, there were 3,200 plus employees. So, yeah, of course, 2021 के में बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं क्योंकि hiring बहुत ज़्यादा हो. Okay, रचना, मैं आपको एक question दे रहा हूँ, जिसमें कि आपको arrange करना है 3 words को, right? अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आप सबसे पहले किसको आप प्रायोरिटी देते हो उसके बेसिस पे आपको अरेंज करना है, राइट. तो फर्स्ट है मनी, सेकंड इज कैरियर ग्रोथ एंड थर्ड वर्ड इज वर्क लाइफ बैलेंस. तो इन तीनों में सबसे पहले आप किसको मेजर प्रायोरिटी दोगे? ओके बेसिकली आई वुड प्रिफर वर्क लाइफ देन मनी एंड देन करियर ग्रोथ. तो मनी को क्यों नहीं प्रेफर करोगे आप सबसे पहले? मनी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स मनी इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने सेकंड लाइक पोजीशन में रखा है. बट वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं पूरा टाइम काम ही करती रहूंगी तो मैं जो है क्रिएटिविटी नहीं ला पाऊंगी, राइट. आई नीड वर्क प्लस आई नीड अ सोशल गैदरिंग ऑल्सो.